हेलो एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी अखाड़ा। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले सीएए रूल्स को नोटिफाई किया। उसके अंदर बहुत से लोगों ने अप्लाई किया और अब इंडियन सिटीजनशिप उन लोगों को दी जाने लगी है। ओवर 300 पीपल बिकम इंडियन सिटीजन अंडर सीएए। और इसी के साथ ये वेस्ट बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में भी शुरू कर दिया गया है। 14 पीपल गिवन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर सीएए। सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी डिबेट बहुत पुरानी है, बट अभी ये आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में दिखेगी क्योंकि नए नए लोग अप्लाई कर रहे हैं और उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जा रही है। सो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप से रिलेटेड हर एक डायमेंशन को, जिसके अंदर जो भी टर्म्स आती हैं उनका क्या मतलब है। और अभी लोगों में ये अप्रिहेंशन है कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो हो सकता है एनआरसी के ऊपर भी कुछ बात हो, क्योंकि बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में एनआरसी को बहुत प्रोमिनेंटली इस बार नहीं रखा है। बट सरकार बनने के बाद हो सकता है एनआरसी को भी रोल आउट किया जाए। और एनआरसी और सीएए को लेकर जो डिबेट्स थी वो तो आप कई सालों से देख ही रहे हो। सो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप, देन वी विल डिस्कस सीएए, एनआरसी, एनपीआर, हम देखेंगे एनआरआई, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये क्या होते हैं, वॉट इज़ NRO, NRE, वॉट इज़ FRRO, तो ये सब बातें हम आज करेंगे, जिसके अंदर सिटीजनशिप से रिलेटेड सारे मुद्दे आ जाएंगे। तो देखिए, सिटीजनशिप का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको फुल और इक्वल मेंबरशिप मिल गई है किसी कंट्री की। तो सिटीजनशिप जिसके पास होती है शायद वो उसकी कीमत ना समझता हो, बट जिसे नहीं मिली और उसे अभी जो ग्रांट की जा रही है उन्होंने एक टेस्टिमनी में बताया कि सिटीजनशिप उनके लिए क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं रिसेंटली एक न्यूज़ से ली गई क्लिपिंग, जिसके अंदर एक पर्सन बता रहे हैं कि सिटीजनशिप मिलने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। उन्होंने बताया कि पहले हम झुग्गी झोपड़ी स्लम्स में रहते थे, अब वहाँ से बाहर आ गए बिकॉज हमारे पास क्या आ गया, अब डॉक्यूमेंट। पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं थे तो ना तो हमें कोई एजुकेशन मिली ना हमारे बच्चों को मिली। अब हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जा पाएंगे। और उन्होंने कहा, सिटीजनशिप मीन्स होप फॉर अस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ए पर्सनस लाइफ हु इज फेसिंग स्टेटलेसनेस, सिटीजनशिप मिलने के बाद। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी, दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ये इच्छा है कि उनको एक पर्टिकुलर स्टेट की सिटीजनशिप मिल जाए, तो वो स्टेटलेसनेस की सिचुएशन में रह रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग इंडिया में भी थे जिनको सीएए के अंडर सिटीजनशिप दी जा रही है। ही एडिड, सिटीजनशिप हैड ब्रॉट रिलीफ बिकॉज ही हैड बीन लिविंग इन फैमिली इन दिल्ली ऑन टूरिस्ट वीजा, टूरिस्ट वीज़ा पे रह रहे थे। अब वीज़ा को एक्सटेंड कराना भी अपने आप में एक प्रोसीजर है जो कि इलिटरेट और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। हु लिसन्स टू पुअर पीपल, और इसे एक्सटेंड करवाने में 2 से 4 हज़ार रुपये लग जाते हैं। बट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 2019 के अंदर। अब इसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से जस्ट पहले क्या किया, नोटिफाई किया गया। और नोटिफाई करने के बाद अब बहुत सारे स्टेट से लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनको सिटीजनशिप दी जा रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई आस्क यू व्हाट इज सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप का सिंपल सा डेफिनेशन ये है, सिटीजनशिप हैज़ बीन डिफाइंड एज फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल कम्युनिटी। नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू सिटीजन प्लस एलियन। ऐसे लोग जो इस पर्टिकुलर कंट्री के, फॉर एग्जांपल इंडिया के सिटीजन हैं, और ऐसे लोग जो इंडिया के सिटीजन नहीं हैं, उन सबको मिला के हमारी ये पॉपुलेशन है। तो ये सिटीजन है, इनको एक पॉलिटिकल कम्युनिटी का मेंबर बनाता है, फुल और इक्वल मेंबरशिप मिलती है, उसे कहते हैं सिटीजनशिप। इसी पॉलिटिकल कम्युनिटी के पार्ट होने की वजह से आप कहते हैं कि वी आर इंडियन, आई एम इंडियन, जापान के लोग कहते हैं आई एम जापानीज। तो ये जो लोग हैं इन्हें स्टेट कुछ राइट्स देता है, जो इस पॉलिटिकल कम्युनिटी के मेंबर हैं स्टेट इन्हें कुछ इक्वल राइट देता है, क्योंकि ये फुल मेंबर हैं इसलिए इन्हें इक्वल राइट्स मिलते हैं। स्टेट इन्हें प्रोटेक्शन देता है, और जब ये स्टेट से बाहर होते हैं, मान लीजिए इंडियन सिटीजन यूक्रेन और रशिया के वॉर के बीच में वहाँ गए हुए थे और फंस गए, तो सिटीजन को प्रोटेक्शन स्टेट अपनी टेरिटरी के बाहर भी देता है और अंदर भी देता है। तो सिटीजन का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा, फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल कम्युनिटी, जिसकी वजह से स्टेट उन मेंबर्स को प्रोटेक्शन देता है, कुछ राइट्स देता है, उनकी कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं, उन्हें टैक्स पे करना होता है। और आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो बहुत सारे आर्टिकल में पहले ही वर्ड में लिखा हुआ है सिटीजन, चाहे आप प्रेसिडेंट को देख लें, वाइस प्रेसिडेंट, एमएलए, एमपी,
जो भी लोग हैं इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहला वर्ड ये है कि सिटीज़न होने चाहिए। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स आप देखेंगे तो आर्टिकल 12 से 35 जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें आर्टिकल 14 से 32 तक बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो केवल सिटीजन्स को ही मिलते हैं। तो सिटीजनशिप होने की वजह से बहुत सारे हमें राइट्स मिलते हैं, हमारी ड्यूटीज़ भी होती है। तो ये सब बातें किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? एलियंस के ऊपर। अब इस एलियंस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लीगली इंडिया में आए हैं या इलीगल तरीके से इंडिया में आए हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन लोगों के बारे में बात करता है जो इलीगल माइग्रेंट हैं इंडिया के अंदर, उनके बारे में वो हम डिस्कस करें आगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिएंटेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजन है सिटीजनशिप को लेके। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट टू के अंदर हमारे पास आर्टिकल है 5 to 11। दीज आर्टिकल आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। इसमें लिखा है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इस डेट को हमारे कंट्री का सिटीजन कौन होगा कौन नहीं होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इसके बाद फर्दर कोई भी लॉ अगर बनता है रिलेटेड टू सिटीजनशिप, दिस पावर इज कन्फर्ड ऑन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल्स द मैटर ऑफ सिटीजनशिप एज इट इज अ सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट इन 7th schedule। 7th schedule में यूनियन लिस्ट है, स्टेट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट के 17th item में है सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन और एलियंस। इस वजह से केवल पार्लियामेंट ही लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस रखता है सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज बनाने के लिए। वॉट इज आर्टिकल 11? आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। तो ये दो टर्म इंपॉर्टेंट है, कैसे एक्वायर की जा सकती है और कैसे टर्मिनेट की जा सकती है सिटीजनशिप। ये मेंशन करने की जो पावर है, ये प्रोवाइड करने की जो लॉ बनाने की पावर है किसके पास है? केवल पार्लियामेंट के पास है। सो ड्रॉइंग पावर फ्रॉम आर्टिकल 11 एंड 7th schedule ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड अ लॉ विच इज नोन एज सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। टाइम एंड अगेन इसको अमेंड किया गया और जो आप पढ़ते हैं CAA, दिस वॉज एन अमेंडमेंट ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 इन 2019। तो अब हम देख लेते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें ये दो प्रोविजन जो होंगे एक्विजिशन और टर्मिनेशन, इसको रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्या क्या बातें उसके अंदर हैं। तो एक्विजिशन के हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर 5 तरीके हैं, अलग अलग सेक्शन में मेंशन है, जैसे सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7। और किस तरह से सिटीजनशिप टर्मिनेट हो सकती है इसके 3 तरीके हैं, 8, 9, 10। बिकॉज वी आर टू स्टडी अबाउट CAA, NRC, NPR, तो हमें देखना होगा कि किस तरह से सिटीजनशिप ली जा सकती है। तो इसमें 5 तरीके कौन से हैं? बर्थ, डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाय बर्थ हाउ वन कैन एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। देखिए इसे आप एक टेबल से समझ सकते हैं जो कि मैंने यहाँ बनाया है, जिसमें कुछ डेट्स लिखी हैं। इन डेट्स को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप देख लीजिए कि 26 जनवरी 1950 के बाद से और 1 जुलाई 1987 तक ये प्रोविज़न था कि कोई भी बच्चा अगर भारत की टेरिटरी के अंदर पैदा होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ हर और हिज पेरेंट्स, दैट चाइल्ड शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ ये डेट जो लिखी है 1987, इसका एक बैकग्राउंड है। आपको ध्यान होगा 1985 के अंदर आसाम अकॉर्ड साइन हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आसाम के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। इलीगल माइग्रेंट्स का बहुत बड़ा इशू था फ्रॉम बांग्लादेश टू आसाम, तो उसको टैकल करने के लिए 1987 के अंदर इस एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट के बाद से ये सिचुएशन है। 1 जुलाई 1987 टू 3rd December 2004 कंडीशन ये हुई कि आइदर ऑफ द पेरेंट्स टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ये जो दो लोग थे, एक मान लो ये फादर हैं, ये मदर हैं, पहले ही सिचुएशन थी कि ये दोनों कहीं के हों, ये दोनों बांग्लादेशी होंगे, अगर बच्चा टेरिटरी ऑफ इंडिया में हुआ तो वो सिटीजन हो जाएगा। बट अब ये कंडीशन हुई कि आइदर ऑफ द पेरेंट्स हैज़ टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, इन दोनों में से कोई एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, तभी जो बच्चा हुआ है वो सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकता है बाय बर्थ। उसके बाद 2004 के अंदर इसमें फिर से अमेंडमेंट हुआ और इसे थोड़ा सा और स्ट्रिंजेंट बना दिया गया। तो 3rd December 2004 के बाद से ये सिचुएशन है, बोथ हैज़ टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ फादर और मदर दोनों ही सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, या एक कंडीशन और है जिसमें आइदर ऑफ द पेरेंट्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अदर वन इज नॉट इलीगल माइग्रेंट। तो
फादर मान लीजिए अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है और मदर इलीगल माइग्रेंट नहीं है, वीज़ा पे आई हुई है इंडिया में, और उनके अगर कोई बच्चा होता है तो वो सिटीजनशिप ले सकता है इंडिया की बाय बर्थ। सो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड वन इज़ डिसेंट। डिसेंट मीन्स एंसेस्ट्री, मतलब वंश, आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ये कहाँ से हैं, इस बात पे भी ये प्रोविज़न है हमारे सिटीजनशिप एक्ट के अंदर, जिससे कोई भी पर्सन इंडिया का सिटीजनशिप ले सकता है। सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसके अंदर इनिशियली प्रोविज़न था कि 26 जनवरी 1950 के बाद से अगर कोई मान लीजिए मेल है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया है और वो बाहर जाके किसी कंट्री के सिटीजन है जो फीमेल है उसे शादी कर लेता है और उनके कोई बच्चा होता है, तो वो चाइल्ड इंडिया के सिटीजनशिप ले सकता है। ये कंडीशन थी पहले, फादर हैज़ टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, फादर हैज़ टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर वो किसी दूसरे नेशनल दूसरी कंट्री के सिटीजन से शादी करके अगर उनके कोई बच्चा होता है, दैट चाइल्ड कैन गेट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय डिसेंट। 1992 में इसके अंदर फिर से अमेंडमेंट किया गया। 1992 का बैकग्राउंड क्या है, 1991 के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर आए। एलपीजी रिफॉर्म्स का मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी अब लिबरलाइज हो गई है, ग्लोबलाइज हो गई है, तो हम चाहते हैं कि बाहर से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आए, पैसा आए इंडिया के अंदर, तो इमोशनल कनेक्ट कैसे होगा। इमोशनल कनेक्ट होने के लिए इसके अंदर सिटीजनशिप एक्ट के अंदर 1955 में फिर से एक अमेंडमेंट किया गया इन 1992। सो 10 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक ये प्रोविज़न रहा, आइदर द फादर और द मदर टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जो बच्चा इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है, पहले उस पर कंडीशन थी कि उसके फादर सिटीजन ऑफ इंडिया होने ही चाहिए। अब ये कंडीशन ऐसे कर दी गई, चाहे तो उसके फादर हो या मदर हो, उन दोनों में से कोई भी एक अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो वो बच्चा सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ले सकता है बाई डिसेंट। 2004 के बाद, 3 दिसंबर 2004 के बाद इसमें कंडीशन रखी गई। कंडीशन क्या थी, चाइल्ड मस्ट नॉट बी सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री। ये पहली वाली तो है ही है, इसके साथ में इनको एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा कि जो बच्चा इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है वो किसी और कंट्री की पासपोर्ट या सिटीजनशिप उसके पास नहीं होनी चाहिए। ये एफिडेविट में उसके पेरेंट्स को इंडियन काउंसिलेट को देना होगा, उसके बाद उसे सिटीजनशिप मिल सकती है बाय डिसेंट। तो दोनों टेबल को अगर आप देखें तो इसमें बस ये 1992 जो ईयर है इसमें चेंज है, वो पहले वाले टेबल में 1987 थी। तो इसे आप याद रखना चाहें तो याद रख भी सकते हैं, 1987 से पहले होता है आसाम अकॉर्ड, 1992 से पहले आता है एलपीजी रिफॉर्म्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के टाइम किसी कंडीशन की वजह से इसके अंदर पूरा चेंज करती है, और ये चेंज की वजह से ही अभी हम देखेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर भी इसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। अब हम देखते हैं थर्ड और फोर्थ प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन। देखिए, आपने सिंपली ये तो सुना होगा कि रजिस्ट्रेशन में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो 7 साल से इंडिया में रह रहे हों, और नेचुरलाइजेशन में वो लोग जो इंडिया में 12 साल से रह रहे हों। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो 7 साल कंप्लीट कर चुका है वो अप्लाई करके सिटीजनशिप ले ही लेगा, वो 12 साल के लिए इंतजार क्यों करेगा। बट इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस है। देखिए, रजिस्ट्रेशन उन लोगों के लिए है जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, जिनका इंडिया से कहीं ना कहीं कोई ताल्लुक रहा हो। ये एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, और भी डिफरेंस है। तो जो लोग 7 साल से इंडिया में रह रहे हों, यूजुअल रेजिडेंट हों, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं, जिनका इंडिया से कहीं ना कहीं कोई रिलेशन रहा हो, या तो वो खुद कभी इंडिया के सिटीजन रहे हों, या उनके पेरेंट्स रहे हों, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स रहे हों, जैसे ऋषि सुनक है, सत्या नडेला है। तो ये सब लोग कौन है, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। तो ऐसे लोग अगर इंडिया में 7 साल रहेंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप दी जा सकती है। दूसरी कैटेगरी है ओसीआई कैटेगरी। ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये कार्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, पीआईओ और ओसीआई में, वो हम देखेंगे आगे। बट ओसीआई कार्ड जिसके पास है और 5 साल से वो कार्ड है, और वो पर्सन अगर 1 साल इंडिया में आके रहे तो वो भी थ्रू रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप ले सकता है। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी है, जिस पर्सन ने इंडियन सिटीजनशिप से मैरिज कर ली हो और वो 7 साल के लिए इंडिया में रह रहा हो, तो उसे भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल सकती है। नेचुरलाइजेशन के अंदर 12 साल कोई पर्सन, इन सभी कैटेगरी से अलग कोई पर्सन है और वो 12 साल से इंडिया में रह रहा हो, उस 12 साल के अंदर भी कंडीशन है, जैसे 1 साल जब वो अप्लाई करता है उससे जस्ट पहले कंटिन्यूसली इंडिया में हो, और पीछे के 14 ईयर्स में से 11 ईयर्स, तो टोटल मिला के कितना हो गया 11, और ये कितना हुआ 12। तो इस तरीके से अगर 12 साल वो इंडिया के अंदर यूजुअल रेजिडेंट है तो वो अप्लाई कर सकता है थ्रू नेचुरलाइजेशन।
नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन एनआरआई, पीआईओ एंड ओसीआई, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एनआरआई। एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियंस, नॉन रेजिडेंट इंडियन होल्ड्स इंडियन पासपोर्ट, इट मीन्स दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया, रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया फॉर मोर देन 6 मंथ्स, 6 महीने से ज़्यादा अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन अगर इंडिया से बाहर रह रहा हो तो वो कहलाएगा एनआरआई। ये स्टेटस से ऐसा मत समझिए कि वो किसी और कंट्री का सिटीजन है। एनआरआई का मतलब होता है कि ऐसा इंडियन सिटीजन जो 6 महीने से ज़्यादा किसी काम के पर्पज़ से या पढ़ाई के पर्पज़ से इंडिया से बाहर किसी कंट्री में गया हो। बेसिकली ये होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेफरेंस के लिए, आईटी डिपार्टमेंट, क्योंकि जब ये एनआरआई अपने होम कंट्री में पैसा भेजते हैं तो इनके टैक्सेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है, इस वजह से एनआरआई स्टेटस को यूज़ किया जाता है। एनआरआईज इंडिया के अंदर सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते, जैसे आप खोल सकते हो, सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते। तो ये क्या कर सकते हैं, तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है ए, इस पर्सन ए ने विदेश में जाके कुछ इनकम कमाई और उसका इंडिया के अंदर भी कोई घर है जिसे उसने रेंट पे दे रखा है या उसने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, तो यहाँ से भी उसको कुछ इनकम हो रही है। ये इनकम उसको हो रही है मान लो यूएसए में तो डॉलर में है, और ये इनकम उसको हो रही है रुपीज़ के अंदर। अब एनआरआई जो होते हैं उनके लिए कुछ अलग अकाउंट होता है, उसके लिए अकाउंट का नाम है एनआरई। एनआरई, एनआरई का मतलब नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल, और दूसरा अकाउंट होता है एनआरओ, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी। अब जब ये पर्सन ए है ये इनकम डॉलर में कमा रहा है और जब ये एनआरई अकाउंट में उसे भेजेगा तो ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी इंडिया के अंदर, ठीक है, और एनआरओ अकाउंट में उसकी इंडिया की ही इनकम डिपॉजिट हो सकती है, ठीक है। ये वाली इनकम है ये टैक्स फ्री है, ये जो इनकम है एनआरई में ये टैक्स फ्री होती है, और ये जो इनकम है ये टैक्सेबल होती है। अब आप देख पा रहे होंगे इन दोनों ही अकाउंट्स में जो करेंसी है वो रुपीज़ में है, बट अगर ये चाहता है कि मेरी जो इनकम डॉलर में थी वो डॉलर में ही रहे तो इसे एक तीसरा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जिसका नाम है FCNR, इसकी फुल फॉर्म होती है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। तो इसके अंदर जो डिपॉजिट होंगे वो उसी करेंसी में होंगे जिस करेंसी में उसने भेजा है। तो ये सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाते हैं, ये इस तरह के अकाउंट्स एनआरआईज के होते हैं, बट ये होते इंडियन सिटीजन ही हैं, बाहर केवल काम के पर्पज़ से गए हैं और 6 महीने से ज़्यादा अगर होता है तो उसे कहते हैं एनआरआई। अब दूसरा हमारा जो टर्म था वो है पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये कौन होते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? मान लो जो पर्सन ए है जो यूएसए में है और उसने बहुत सालों तक वहाँ रह के यूएसए की सिटीजनशिप ले ली, तो यूएसए की सिटीजनशिप लेने का मतलब ये हुआ अब वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, दैट पर्सन इज सिटीजन ऑफ यूएसए। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जब भी वो इंडिया में आएगा तो उसे वीज़ा लेके इंडिया में आना पड़ेगा, ठीक है, पहले वो सिटीजन रहा हो इंडिया का चाहे, बट अब वो सिटीजन हो गया है यूएसए का, और इंडिया डू नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप नहीं होगी, इस वजह से ये पर्सन अब वीज़ा लेके इंडिया में आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की 2002 के अंदर और उसे बताया गया एक्सटेंडेड वीज़ा स्कीम, एक्सटेंडेड वीज़ा, और ऐसे पर्सन को क्या कहा गया पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग जिनका कभी कोई रिलेशन इंडिया से रहा हो, उस पर्सन ने कभी इंडियन पासपोर्ट रखा हो या उसके पेरेंट्स इंडियन हो या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन हो, तो ऐसे लोगों का एक इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए इंडिया के साथ, बिकॉज दुनिया में वो किसी भी पोजीशन पे हो, जब भी कभी वो बिज़नेस के बारे में सोचें, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें, तो वो इंडिया को प्रायोरिटी पे रखें। तो ऐसा करने के लिए ऐसे लोगों को कुछ स्पेशल प्रिविलेज देनी पड़ेंगे। अब उसमें क्या किया गया कि ऐसे लोगों को 15 साल के लिए फॉर 15 ईयर्स वीज़ा फ्री एंट्री एग्जिट दिया गया। अब आप कभी म्यूजियम गए हों तो आपने देखा हो कि वहाँ पे दो तरह की फीस लगती हैं, एक सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, एक फॉरनर्स के लिए। अभी जो पीआईओ अगर इंडिया में आके कहीं घूमने जाएगा म्यूजियम वगैरह में तो वहाँ पे उसे वही फीस देनी पड़ेगी जो इंडियन सिटीजन देता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इनके साथ एक दिक्कत ये है कि ये वोट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट वोट, दे कैन नॉट वोट, हो
होते वैसे बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी तरह ही है, सिटीजन की तरह ही है, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। दे कैन नॉट वोट, दे कैन नॉट बाय एग्रीकल्चर लैंड, बाकी जो प्रॉपर्टी वो ले सकते हैं। इसके साथ ही एक और इशू था, उसका नाम है FRRO, फॉरनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। इसका मतलब ये हुआ कि 180 डेज के स्टे के बाद में, आफ्टर एवरी 180 डेज दैट पर्सन हैज़ टू रजिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ विद दिस ऑफिस। इस ऑफिस में बताना पड़ेगा कि हम किस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में हैं और किस एड्रेस पर रहते हैं और किस काम के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस PIO के ऊपर थे। 2005 के अंदर गवर्नमेंट ने एक और स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट किए गए, जो PIO के अंदर कुछ लेकुनास थे उनको ठीक किया गया 2015 के अंदर। अब इसमें देखो ये था कि जैसे मान लो जो 15 ईयर्स की वीज़ा है ये लाइफ टाइम कर दी, लाइफ लॉन्ग वीज़ा फ्री, ठीक है। और इसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दो देश के लोगों को OCI कार्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। FRRO की कंडीशन को ख़त्म कर दिया गया कि आपको एवरी 180 डेज़ के बाद में ये बताना नहीं पड़ेगा कि हम किस जुरिस्डिक्शन में हैं, और ये मतलब जो रेस्ट्रिक्शन था PIO का वो हटा दिया गया। अब 2015 के अंदर अगेन सिटीजनशिप एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया गया और ये PIO और OCI इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा कर रहे थे कि कौन PIO है कौन OCI है। तो इन दोनों को मिला के बना दिया गया OCI कार्ड होल्डर। अब PIO जो हैं जिनके पास OCI कार्ड है वो सब लोग उस सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं जो कि OCI कार्ड होल्डर को मिलते हैं, जैसे लाइफ लॉन्ग वीज़ा फ्री एंट्री एंड एंट्री एग्जिट। पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग ये नहीं ले सकते, और FRRO की जो कंडीशंस थी वो भी इनके ऊपर अप्लाई नहीं होती। तो ये इनके अंदर डिफरेंस है OCI और PIO के अंदर, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, जिसका नाम है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इस एक्ट में क्या हुआ, अब आपने तो देखा कि किस तरह से सिटीजनशिप ली जा सकती है, कैसे टर्मिनेट की जा सकती है, कौन NRI होते हैं, कौन PIO हैं, कौन OCIs हैं। तो ये सब जानने के बाद अब आप समझेंगे कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो हुआ था वो किस वजह से हुआ था। ऑल दो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 बार्स इलीगल माइग्रेंट्स। अभी आपने देखा कि एक प्रोसेस है बर्थ से, एक डिसेंट से, एक रजिस्ट्रेशन से, और एक है नेचुरलाइजेशन से। इन सभी प्रोसेस के अंदर एक कंडीशन डिफॉल्ट है कि वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इलीगल माइग्रेंट इंडिया के अंदर नहीं होना चाहिए। डिफाइंड एज फॉरनर्स हु एंटर्ड इंडिया विदाउट वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट और एंटर्ड विद अ वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट बट स्टेड बियॉन्ड द परमिटेड पीरियड। तो ये होते हैं इलीगल माइग्रेंट्स, जो विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स इंडिया के अंदर एंटर होते हैं, और अगर वैलिड डॉक्यूमेंट हैं तो वो जो टाइम था उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो खत्म हो चुका है और वो बियॉन्ड उस टाइम के भी रुके हुए हैं फ्रॉम ऑब्टेनिंग इंडियन सिटीजनशिप। तो ये 1955 का एक्ट है, वो 2019 से पहले तक इस चीज़ को बार करता था, बट 2019 में इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया। इसमें बताया गया कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये जो रिलीजन है, इस रिलीजन के कोई भी पर्सन फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन तीन कंट्रीज से अगर 2014 31 दिसंबर से पहले इंडिया आए हुए हैं, दे शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज इलीगल माइग्रेंट। अगर उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी उन्हें इलीगल माइग्रेंट्स नहीं कहेंगे अंडर CAA, अलाउिंग देम टू अप्लाई फॉर एंड गेन इंडियन सिटीजनशिप। अब ये इलीगल माइग्रेंट नहीं है तो ये अप्लाई कर सकते हैं नेचुरलाइजेशन में। और नेचुरलाइजेशन का अगर आप याद हो तो उसमें था 12 साल की कंडीशन है, उसमें से 11 साल प्लस वन था। अब इसे भी कम कर दिया गया। CAA रिड्यूसेस देयर क्वालिफाइंग लेंथ ऑफ रेजिडेंसी इन इंडिया बिफोर बीइंग एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप नॉट लेस देन 11 ईयर्स टू नॉट लेस देन 5 ईयर्स। तो इसे क्या कर दिया गया, 5 साल कर दिया गया। तो इनके लिए दो सुविधाएं हो गई। अब ऐसा क्यों किया गया, इसलिए किया गया क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि ये जो लोग हैं, इन रिलीजन से जो बिलोंग करते हैं, वो परसिक्यूटेड हैं और वो एक स्टेटलेसनेस की सिचुएशन में रह रहे हैं, वहाँ से भगाए जा रहे हैं, तो उनके पास कोई जाने की जगह नहीं है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो कंट्रीज़ हैं, इनमें से जो भी लोग परसिक्यूटेड हैं इस रिलीजन के, वो आ सकते हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इसमें मुस्लिम रिलीजन नहीं है,
क्योंकि सरकार का मानना है कि मुस्लिम रिलीजन जो है वो प्रोसिक्यूटेड नहीं हो सकता इन तीन कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये है CAA। अब बात करते हैं नेक्स्ट इशू जो कि है NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये क्या होता है? देखिए, ये एक सिंपली रजिस्टर है, जैसा कि एज अ नेम सजेस्ट, पॉपुलेशन रजिस्टर। और मैंने शुरुआत में आपको बताया पॉपुलेशन मीन्स सिटीजन प्लस एलियंस, मतलब जितने भी फॉरनर्स हमारी कंट्री में हैं और हम सिटीजन्स, इन सबको मिला के पॉपुलेशन बनती है। तो उसका एक रजिस्टर बनाना सिंपली होता है NPR, इज रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेजिडेंट्स। यूजुअल रेजिडेंट्स मतलब ये दोनों, यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। इट इज़ बिंग प्रिपेयर्ड एट लोकल, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल अंडर द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। और इसके लिए जो रूल्स हैं वो हैं सिटीजनशिप, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजन्स, इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003। सबसे पहले बनाया गया 2010 के अंदर और इसे अपडेट किया गया 2015 के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि केवल एक रजिस्टर है जिसके अंदर थोड़ी बहुत कुछ डिटेल्स होती हैं जो आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, वो नेम, फादर्स नेम, बर्थ प्लेस, ये सब चीज़ें। तो ये डिटेल्स देनी होती हैं NPR के अंदर। एवरी यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट रजिस्टर इन NPR। अभी जो सेंसस होगी उसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करने का एक वो होता है ना कि आपने देखा होगा कि ऑनलाइन इस बार सेंसस होने वाली है, तो ऑनलाइन सेंसस होने के लिए आपको NPR में रजिस्टर कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो यूजुअल रेजिडेंस जो वर्ड आया यहाँ पे, ये वाला, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? क्या जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1955 पे, उसके अंदर यूजुअल रेजिडेंट का क्या मतलब है? इज़ डिफाइंड फॉर द पर्पज ऑफ NPR एज द पर्सन हु रिसाइडेड इन इंडिया इन लोकल एरिया फॉर पास्ट 6 मंथ और मोर, पिछले 6 महीने से या ज़्यादा, उससे ज़्यादा महीने से, उससे ज़्यादा समय से इंडिया में रह रहा हो, और वो इंटेंडेड टू बी स्टे इन इंडिया फॉर नेक्स्ट 6 और मोर मंथ्स। 6 महीने से तो रह रहा हो और 6 महीने और रहने की उसकी इच्छा हो। तो ऐसे जितने भी लोग हैं वो कौन है? NPR के अंदर लिस्टेड हैं। तो ये क्या है? केवल एक नेशनल पॉपुलेशन का रजिस्टर है जो किस लिए बनाया जाता है कि ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी सोशियो इकोनॉमिक स्कीम्स हैं उसको टारगेटेड अप्लाई कर सके कि किस एरिया के अंदर कौन लोग रहते हैं, किनको ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब स्कीम को एफिशिएंटली अप्लाई करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए NPR को बनाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है NCR, सॉरी NRC। NRC का मतलब है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। तो यहाँ ये वर्ड आया सिटीजन्स, नेशनल रजिस्टर्ड फॉर सिटीजन्स, इज मेंट टू बी रजिस्टर ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन्स, ऑल इंडियन सिटीजन्स हुज क्रिएशन वाज मैंडेटेड बाय 2003 अमेंडमेंट ऑफ सिटीजनशिप एक्ट टू 1955। 1955 में, 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें लिखा हुआ है कि एक NRC होगा। इट्स पर्पस इज टू डॉक्यूमेंट ऑल द लीगल सिटीजन्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी कॉन्ट्रोवर्सी आपको इधर से समझ में आएगी। ऑल द लीगल सिटीजन्स ऑफ इंडिया सो दैट इलीगल माइग्रेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड एंड डिपोर्टेड। तो NRC का पर्पस क्या है कि एक हमारा एक लिस्ट होगा प्रॉपर पूरा, उसके अंदर जितने भी लीगल सिटीजन्स हैं इंडिया के उनके नाम होंगे। इससे ये पता लगेगा कि जो इलीगल हैं बचे हुए, जिनका नाम इसके अंदर नहीं आया, उनको डिपोर्ट करना है, इंडिया से बाहर भेजना है, वो सिटीजन नहीं है। अब NRC इंडिया में अभी तक पैन इंडिया लेवल पे नहीं हुआ है। तो ये NRC अभी तक हुआ कहाँ है? ये हुआ है आसाम के अंदर। NRC आसाम, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ऑफिस ऑफ स्टेट कोऑर्डिनेटर, गुवाहाटी। तो ये केवल आसाम में हुआ है, बात अभी चल रही है कि पूरे इंडिया में हो सकता है। BJP ने अभी के मैनिफेस्टो में तो नहीं कहा कि ऐसा करवाएंगे, बट ये इनके विश लिस्ट में है और ये होना ही है NRC। और इसके ऊपर पूरी डिबेट भी हुई थी। अब मुद्दा यह है कि पहले ये आसाम में ही क्यों हुआ, तो इसको भी जान लेते हैं कि इसका क्या बैकग्राउंड है। NRC वॉज कंडक्टेड इन आसाम इन 1951। आपको ध्यान है हमारा जब पार्टीशन हुआ था, तो पार्टीशन के बाद में जो दो इंपॉर्टेंट मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया थे वो थे पंजाब और इधर बंगाल। पंजाब और बंगाल, इधर से बन गया पाकिस्तान, इधर से बन गया बांग्लादेश। बांग्लादेश के बॉर्डरिंग स्टेट है आसाम। अभी आसाम के बहुत सारे वहाँ नॉर्थ ईस्ट में आप स्टेट देखते हैं, बट पहले पूरा आसाम था, ठीक है, आसाम, त्रिपुरा और मणिपुर। तो आसाम के अंदर ये सारे आते थे, मेघालय, नागालैंड वगैरह। तो उस समय इलीगल माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा एंटर हो गए थे आसाम के अंदर। टू डॉक्यूमेंट द सिटीजन एंड डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स पोस्ट पार्टीशन। पोस्ट पार्टीशन जितने भी लोग आए थे उनको लिस्ट करने के लिए 1951 के अंदर NRC करवाया गया। आसाम फेस डेमोग्राफिक एंड सोशियो पोलिटिकल चैलेंज ड्यू टू माइग्रेशन फ्रॉम ईस्ट बंगाल आफ्टर 1947। क्या कंसर्न थे लोगों के, क्या कंसर्न थे, किस लिए करवाया गया?
illegal migration, cultural identity preservation and political unrest motivated for NRC. अब 1951 के होने के बाद से इसको बिल्कुल भी अपडेट नहीं किया गया जो कि होना था, बिकॉज ऑफ सम रीजंस लाइक पॉलिटिकल रिलक्टेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है कि एक पर्सन को चेक करना, उसके डॉक्यूमेंट देखना कि वो यहीं का सिटीजन है कि नहीं है या बांग्लादेश से आया है, और सोशल सेंसिटिविटी. तो इस मुद्दे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट आसाम के अंदर शुरू से रहता था. कंटिन्यूस माइग्रेशन, एथनिक डाइवर्सिटी फर्दर कॉम्प्लिकेटेड द अपडेट प्रोसेस. तो ये अपडेट हुआ नहीं. बाद में किसने इंटरफेयर किया? सुप्रीम कोर्ट ने. सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन इन 2013 पुश्ड फॉर एनआरसी अपडेट, रिजल्टिंग इन 2019 पब्लिकेशन आफ्टर एक्सटेंसिव वेरिफिकेशन. 2019 के अंदर फिर इसका कंप्लीट इसका फाइनल आया कि इसके अंदर कौन कौन लोग हैं. इसके अंदर बहुत सारे लोग, मतलब लाखों लोग इस लिस्ट से, इस एनआरसी से आसाम के अंदर बाहर हो गए थे. बट उनके पास एक ऑप्शन था कि फॉरनर्स ट्रिब्यूनल के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं. उनके पास एक टाइम लिमिट है जिसके अंदर वो प्रूव कर सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट सही हैं. बहुत सारे मुस्लिम भी हैं, बहुत सारे हिंदू भी हैं जिनका इस एनआरसी के अंदर नाम नहीं आया. अब बात ऐसी आती है कि इसे पूरे इंडिया पे करने की चर्चाएं हैं कि पैन इंडिया एनआरसी होगा. अब पैन इंडिया एनआरसी जब होगा तो उसके बहुत ज़्यादा विरोध हुआ. आपने देखा होगा, अभी भी चल रहा है. अभी भी लोगों के लग रहा है कि देखो सीए तो हो गया, सीए तो मतलब ये नोटिफाई कर दिया और अभी लोगों को सिटीजनशिप मिलने भी लग गई है. फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था एनपीआर भी अपडेट हो चुका. तो हमें पता लग गया कि इसके अंदर 119 करोड़ लोगों की तो डिटेल्स हैं अभी एनपीआर के अंदर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब बचा है तीसरा एनआरसी. अब एनआरसी से घबराहट क्या है वो हम डिस्कस करते हैं. पहले ये देखो फोटो जिसमें नो सीएए, नो एनआरसी, नो एनपीआर, सेव कॉन्स्टिट्यूशन. ये कह रहे हैं कि तीनों ही नहीं होने चाहिए, रिजेक्ट सीएए, एनआरसी. अब समझते हैं इसमें इश्यू क्या है. देखो आपने सीएए देखा, इसके अंदर जो रिलीजन है वो तो है, पर इसके अलावा मुस्लिम्स नहीं है इसके अंदर, मुस्लिम्स इसके अंदर नहीं है. तो इसका मतलब अगर 2014 से पहले कोई पर्सन इंडिया आ गया पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से और वो मुस्लिम है, तो वो अगर इलीगल माइग्रेंट्स हैं या फिर उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता सिटीजनशिप के लिए अंडर सीएए. अब अगर एनआरसी पैन इंडिया लागू होता है और एनआरसी पैन इंडिया लागू होने के बाद कुछ लोग, फॉर एग्जांपल कुछ लोग अगर उस लिस्ट में नहीं आते हैं, कुछ लोग अगर मान लो उस लिस्ट में नहीं आते जैसा कि आसाम में अभी देखने को मिला, तो पैन इंडिया होने के बाद हो सकता है कि एक्स नंबर ऑफ मुस्लिम्स उस एनआरसी में नहीं आए या वाई नंबर ऑफ हिंदू उसके अंदर नहीं आए, फॉर एग्जांपल, या जेड नंबर ऑफ क्रिश्चियन उसके अंदर नहीं आए. तो अभी क्या होगा, ये जो एक्स नंबर ऑफ मुस्लिम्स इसके अंदर नहीं आए हैं, ये लोगों का पूरा दोन मतलब एक तरह से रास्ता बंद हो गया इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए, क्योंकि ये लोग सीएए के थ्रू भी नहीं जा सकते अप्लाई करने के लिए, क्योंकि अब इन्हें डिपोर्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर यही प्रोविज़न है. अगर ये हिंदू है या क्रिश्चियन है या सिख है या कोई जो रिलीजन सीए में बताए गए उनमें से है, तो ये लोग वापस सीएए में अप्लाई करके सिटीजनशिप ले सकते हैं, बिकॉज 2014 से पहले के आए हुए होंगे ये, और 2014 से पहले के आए हुए हैं और इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है क्योंकि ये एनआरसी के लिस्ट में नहीं आते हैं, इसका मतलब उनके पास इलीगल डॉक्यूमेंट है. तो अब ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है सीएए की, तो ये है अप्लाई करके वापस सिटीजनशिप ले सकते हैं. अब ये इशू है, काफ़ी टेक्निकलिटीज़ हैं इसके बारे में, तो इसमें पूरी दुनिया की नज़र इसके ऊपर रहती है. यूएस के कुछ डिपार्टमेंट हैं रिलीजियस उसको ऑर्गेनाइजेशन को लेके, रिलीजियस टॉलरेंस को लेके वर्ल्ड के, वो देखते हैं कि पूरा के क्या चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर सेकुलरिज्म को लेके. तो वो कहते हैं कि दिस इज़ डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम्स. और जो यहाँ इंडिया के अंदर जो ओपोजिशन हो रहा है वो देख रहे हैं कि इसको, दिस इज़ अगेंस्ट आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, कि ये इसके अंदर इक्वलिटी नहीं है. क्योंकि देखो एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ मुस्लिम के सेक्ट ऐसे हैं, अहमदियाज हैं, तो वो भी वहाँ परसिक्यूटेड हैं, तो अगर वो जाना चाहें इंडिया आना चाहें तो उनको तो नहीं मिलेगा यहाँ से. तो इसके अगेंस्ट में, इसके फोर में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं. ये तो पता चलेगा कि एनआरसी आने के बाद भी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ देखो एनआरसी के अंदर आपके लिस्ट में अगर नाम नहीं आता है तब भी आपके पास ऑप्शन है कि फॉरनर्स ट्रिब्यूनल्स के अंदर आप जा सकते हैं. ट्रिब्यूनल इज़ द फाइनल अथॉरिटी, नॉट द गवर्नमेंट. ट्रिब्यूनल ने अगर कहा कि आप इलीगल माइग्रेंट हैं और ये प्रूव हो चुका कि आप एनआरसी के अंदर नहीं आते हैं, आपके जो आपने अपील लगाई, आपने जो पूरा टाइम लिया 3-4 महीने का, उसके अंदर भी आप प्रूव नहीं कर पाए कि आप इंडियन सिटीजन हैं, तो ही आप डिपोर्ट किए जाएंगे आफ्टर द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, नॉट अदरवाइज. ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कर दिया. तो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को लेके बात चल रही है कि एनआरसी जब लागू होगा तो किस तरह से होगा, जो लोग अगर एनआरसी में नहीं आए तो वो क्या करेंगे, अगर वो मुस्लिम हुए तो उनके पास क्या रास्ता है, अगर वो हिंदू हुए तो उनके पास क्या रास्ता है. तो ये तो आगे देखने की बात है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें नई नई अनफोल्ड होती हैं.
सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिटीजनशिप एंड रिलेटेड इश्यूज़. आज हमने देखा कि सिटीजनशिप के प्रोविजंस क्या हैं, उसके बाद में हमने देखा NRI, PIO, OCI, NPR, ये अभी देखा आपने NRC, CAA, ये सब चीज़ें क्या हैं. सो दिस इज दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में है और आगे भी न्यूज़ में रहेगा ये, तो यहाँ से कुछ पूछा जा सकता है आपसे. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू, बाय बाय.